दोस्तों आज हम देखेंगे कि आप घर बैठे कैसे फटाफट से अपने मोबाइल के जरिए अपनी बाइक के लिए, आपकी अगर आपके पास फोर व्हीलर है उसके लिए कैसे इंश्योरेंस खरीद सकते हो, और आपको जिस टाइप की इंश्योरेंस चाहिए, कंप्रिहेंसिव चाहिए या आपको थर्ड पार्टी चाहिए, जैसे भी आपको इंश्योरेंस चाहिए यहीं से आप खरीद सकते हो। और एक ही नहीं, आपको बहुत सारे कंपनी का यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी ट्रस्ट के हिसाब से, जिस कंपनी को आप ज़्यादा ट्रस्ट करते हो उसके हिसाब से आप यहाँ से इंश्योरेंस बाय कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली आप policybazaar.com यानी policybazaar एप्लीकेशन को यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देके वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाइए। और आप जैसे ही policybazaar.com को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको ऐसा ही कुछ इंटरफेस मिलेगा जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा, जैसे कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, फोर व्हीलर का इंश्योरेंस है, अपने बाइक का इंश्योरेंस है। तो आप बाइक के आइकन पर क्लिक करिए, यहाँ पर आपको बाइक नंबर मांगा जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप बाइक का पूरा नंबर यहाँ पे एंटर कर लीजिए, जैसे कि आपके स्टेट का सबसे पहला जो लेटर होते हैं वैसे आपकी बाइक पे पीछे लिखा होगा, आपकी आरसी पे मिल जाएगा आपको आपका बाइक की नंबर, आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए। दोस्तों policybazaar.com जो है मेरे लिए काफ़ी ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, मैं काफ़ी दिन से इसकी यूज़ कर रहा हूँ। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई और एप्लीकेशन यूज़ करते हुए अपनी पॉलिसी को या अपनी इंश्योरेंस को खरीद सकते हो। दोस्तों जैसे आप अपनी बाइक नंबर एंटर करोगे यहाँ पे नीचे व्यू फ्री कोटेशंस आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा, और यहाँ पे आपको आपकी आरटीओ आ गया है और आपके कौन सी कंपनी का टू व्हीलर यहाँ पे पूछा जा रहा है, आप अपनी जो टू व्हीलर की कंपनी यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर मैं आप आगे मेरा टू वी एस और अपाचे था, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा हूँ, और मेरा जो अपाचे है वो 164V है, तो यहाँ पे मैं 164V पे ही क्लिक करूँगा। आप अपने हिसाब से आपका जो बाइक होगा उस हिसाब से आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन ईयर पूछा जा रहा है, आप कौन सी साल रजिस्ट्रेशन किए थे यानी बाइक कौन सी साल खरीदे थे। मैं 2018 में लिया था, 2018 को सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका जो करंट पॉलिसी चल रहा है यहाँ पे एक्सपायर्ड हो चुका है या 90 दिन के अंदर एक्सपायर्ड होने वाला है, या ऑलरेडी 90 दिन से ज़्यादा हो गया एक्सपायर्ड होके या आपको याद नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लीजिए। आगे आपको पूछा जा रहा है आपका जो करंट पॉलिसी चल रहा था ये कंप्रिहेंसिव था या थर्ड पार्टी था या ओन डैमेज ओनली था, या आपको याद नहीं है, यहाँ पे भी आप सिलेक्शन कर सकते हो। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से जो पॉलिसी चल रहा था। आगे आपको पूछा जाएगा आप किस तरह की पॉलिसी लेना चाहते हो, तो मेरा यहाँ पे जो पॉलिसी था वो कंप्रिहेंसिव था जो कि स्टैंडर्ड पॉलिसी होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे सारा प्लान आ चुका है, यहाँ पे देखिए दोस्तों काफ़ी सारे कंपनीज़ का अपना अपना कोटेशन आ चुका है, यहाँ पे 1403 से स्टार्ट हो रहा है मेरा इंश्योरेंस एक साल के लिए जो कि कंप्रिहेंसिव है, और यहाँ पे ओरिएंटल इंश्योरेंस, आगे यूनाइटेड इंडिया, ये सारे जो अपने अपने हिसाब से वैल्यू लगा रखे हैं मेरे व्हीकल का, और आगे वो अपनी अपनी पॉलिसी दिखा रहे हैं कितना रुपए की मेरे को पॉलिसी बेच रहे हैं। और यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है वो कम का मिल जाएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी जो होता है दोस्तों ना आपके व्हीकल के लिए होता है ना आपके लिए होता है, आपका व्हीकल अगर किसी और को डैमेज करता है उसके लिए होता है ये पॉलिसी। तो कंप्रिहेंसिव दोस्तों सही रहता है, स्टैंडर्ड होता है, वो सबको कवर देता है जैसे कि आपको भी और आपका व्हीकल को भी। तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम अगर आपका व्हीकल नया है तो आप हमेशा कंप्रिहेंसिव को चुनिए, क्योंकि अक्सर जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है वो अक्सर पुरानी व्हीकल्स पे चुना जाता है, क्योंकि आपके पुरानी व्हीकल्स हो जाता है तो उसको ठीक करने की आपको ज़रूरत नहीं होता, आप ऐसे कबाड़ में फेंक दोगे, लेकिन आगे जिसको डैमेज किया उसको इंश्योरेंस कवरेज मिल जाता है उसके लिए, इसलिए थर्ड पार्टी सिलेक्शन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बजाज अलायंस की पॉलिसी को चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे आसपास यहाँ पे फिजिकल ऑफिस भी है बजाज अलायंस का, तो मैं बजाज अलायंस को यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रेट ले रहा था, 1600 समथिंग ले रहा है, बाकी मेरे को ओरिएंटल वगैरह जो 1403 रुपये में दे रहे थे, लेकिन मैं यहाँ पे बजाज अलायंस को ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं सीधा फिजिकल ऑफिस विजिट भी कर सकता हूँ, वहाँ से उनसे बात भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे बजाज अलायंस लिया हूँ, और यहाँ पे आपको डिटेल मांगा जा रहा है, आप यहाँ पे आपके व्हीकल जिसके नाम पे है या जिसके नाम पे पॉलिसी करना है आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए, आपकी मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे चेक कर लीजिए, और कम्युनिकेशन एड्रेस इसीलिए आपका ज़रूरी होता है देना, क्योंकि दोस्तों आपका जो फिजिकल पॉलिसी है वो आप बाई पोस्ट 10 दिन के अंदर आएगा आपके घर पे। ऐसे तो आप तुरंत डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फाइल, वो भी वैलिड है, आप कहीं भी शो कर सकते हो, लेकिन आपका जो फिजिकल प्रिंटेड इंश्योरेंस है वो आपके घर पे आएगा जो कि 10 से 12 दिन के अंदर बाई पोस्ट आएगा। तो यहाँ पे आप सही अपनी जो एड्रेस है उसको पोस्टल एड्रेस यहाँ पे दर्ज करिए, और यहाँ पे स्टेप 3 पे आप अपनी गाड़ी नंबर को दोबारा चेक कर लीजिए,
यहाँ पे आपसे इंजन नंबर मांगा जा रहा है और चेसिस नंबर मांगा जा रहा है और रजिस्ट्रेशन डेट मांगा जा रहा है। ये सारा चीज़ आपका आरसी के ऊपर आपको मिल जाएगा। दोस्तों आप जब भी इंश्योरेंस कर रहे होंगे मोबाइल के द्वारा, आप अपने पास आरसी रखिए, वहाँ पे सबसे पहले अपना गाड़ी नंबर को सही से चेक करिए, देन गाड़ी के ऊपर इंजन नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ पे इंजन नंबर को दर्ज करिए और आगे चेसिस नंबर भी आपको आरसी के अंदर ही मिल जाएगा, देन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी आरसी के ऊपर मिल जाएगा। सारा चीज़ आपका गाड़ी का जो भी चीज़ें हैं वो सारा आरसी के ऊपर लिखा हुआ होता है। तो आरसी कार्ड आपके हाथ में होना चाहिए जब भी आप इंश्योरेंस कर रहे हो, क्योंकि अगर एक बार आप गलत यहाँ पे दर्ज कर लिया आपका गाड़ी नंबर वगैरह, तो आप इंश्योरेंस किसी और गाड़ी का हो जाएगा और पैसा आप पे करोगे बाद में। जब फिजिकल कागज़ के ऊपर चेक करोगे, जब आप प्रिंटेड होके आएगा, तो फिर खुद परेशान होगे, दोबारा आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे policybazaar.com की जो एप्लीकेशन है, मैं उसके ज़रिए इस इंश्योरेंस को अवेल कर रहा हूँ और इस इंश्योरेंस को ख़रीद रहा हूँ, और उसमें भी मेरे को बहुत सारे कंपनीज़ यहाँ पे मेरे को कोट दिए थे, आप देखे होंगे, लेकिन मैं उसमें से मेरे नज़दीक, जैसे कि मेरे एरिया में जो इंश्योरेंस कंपनी का फिजिकल ऑफिस है, कहीं उसका ऑफिस ले रखें आपके एरिया में, वहाँ के उनके एजेंट बैठे हुए हैं, ताकि आपका कोई प्रॉब्लम आ जाए, कभी भी खुदा न खास्ता कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो आप सीधा जाके वहाँ पे अप्रोच कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन भी नहीं हो पा रहा है कहीं, आप सीधा जाके वहाँ पे अप्रोच करोगे तो आपका काम जल्दी से हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आप अपने हिसाब से अपनी एरिया में जो भी पॉलिसी की ऑफिस है या जो भी इंश्योरेंस कंपनी की ऑफिस है, आप उसी हिसाब से अपनी पॉलिसी को खरीदिए। और policybazaar.com इसीलिए मैं प्रीफर करता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो रेट होता है जेन्युइन होता है। दोस्तों मुझे काफ़ी और भी एप्लीकेशन से मैं जहाँ पे इसको चेक किया था, लेकिन मेरे को यहाँ पे जो policybazaar.com में जो भी कोटेशंस मिलते हैं वो ठीक ठाक मिल जाते हैं। और ये तो ऑफलाइन जो एजेंट के ज़रिए अगर आप करोगे कहीं भी, आप अपनी व्हीकल के इंश्योरेंस, एक तो उनके पास जाना पड़ेगा और वो अपनी पैसे भी ज़्यादा लेते हैं, उसमें एजेंट अपनी फ़ीस भी ऐड करके आपकी इंश्योरेंस ले लेते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा महंगा पड़ता है। दोस्तों देखिए, दोस्तों यहाँ पे सारे डिटेल देने के बाद आपका जो डिटेल्स यहाँ पे जनरेट हो गया है, आप यहाँ पे फुल्ली और अच्छे से अपनी डिटेल्स को चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपकी जो पॉलिसी टाइप जो है यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव है, और एडऑन्स इन पॉलिसी जो भी है आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। आगे सारा चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आप ऊपर से लेकर नीचे तक सही से यहाँ पे चेक कर लीजिए। देन आपको पे सिक्योर पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको पे करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप अपनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपकी इंटरनेट बैंकिंग वॉलेट, UPI, किसी भी जरिए आप अपनी पेमेंट यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं क्रेडिट कार्ड के जरिए करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्रेडिट कार्ड का जो नंबर है, यहाँ पे कार्ड नंबर, कार्ड के ऊपर जो नाम है, आपकी एक्सपायरी डेट, मंथ और ईयर, देन CVVS, हर एक चीज़ मांगा जाता है आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए। तो यहाँ पे आप अपना जो डिटेल्स यहाँ पे दर्ज कर लीजिए। दर्ज करने के बाद आप पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको OTP वाली पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, और वहाँ पे आपको जैसे ही OTP रिसीव होगा, आप उसके जरिए OTP देते ही आपका यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे को पे जो है 1900 समथिंग करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा 1600 का पॉलिसी था, और लेकिन यहाँ पे 1976 इसलिए देना पड़ रहा है। यहाँ पे GST वगैरह लगाने के बाद यहाँ पे 200-300 ज़्यादा लग जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे हम पे नाउ पे क्लिक करिए, देखिए यहाँ पे OTP का ऑप्शन आ गया है आपके मोबाइल नंबर पे, जिस नंबर के साथ आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप या नेट बैंकिंग रजिस्टर्ड होगा, उसी हिसाब से वहाँ पे आपको OTP आ जाएगा। OTP यहाँ पे देने के बाद आप सबमिट कर लीजिए। आप जैसे डाउनलोड पॉलिसी पे क्लिक करोगे, आपको PDF फॉर्मेट में आपका पॉलिसी डाउनलोड हो जाएगा, और विद इन 10 डेज आपके घर पे भी बाई पोस्ट आ जाएगा पॉलिसी। तो दोस्तों यहाँ तक था एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर क्विक अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।